नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों तो ये क्लासेज हैं बीएससी मैथ से संबंधित और राजस्थान जीके से संबंधित भी हम लगभग तैयारियां पूरी कर चुके हैं और राजस्थान जीके के वीडियोस बहुत जल्द आपके सामने उपलब्ध होंगे। जो हमारा वर्क था, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हमने दूर कर ली है। तो आपके समक्ष जल्द से जल्द हम राजस्थान जीके की क्लासेज शुरू कर देंगे और ज़रूर आपके सामने ये वीडियोस राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो ज़रूर आ जाएंगे। दोस्तों जो बीएससी मैथ्स है वो हमने लगभग ग्रुप थ्योरी शुरुआत कर दी है और जो सेकंड ईयर की है डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हम पूरा कर चुके हैं। हम ग्रुप थ्योरी के एक एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं, हमने ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, अब सब ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है, आज एक नई शुरुआत है, आज एक नया टॉपिक के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज का टॉपिक का नाम है चक्रीय ग्रुप। और दोस्तों आपको बताऊं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गांधी नॉलेज बैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाएं और अपने दोस्तों से कहें और बताएं उन्हें गांधी नॉलेज बैंक के बारे में, कि इनमें बीएससी मैथ्स जो ग्रेजुएशन के लिए और राजस्थान जीके से संबंधित भी वीडियोज़ लगातार डाले जाएंगे। और राजस्थान जीके जो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लगभग में जो राजस्थान लेवल पर है उसमें ज़रूर आते हैं। इसलिए हम छोटी सी एक मुहिम और चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इतने तैयार हो जाएं कि हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम फाइट कर सकें। इसलिए हम राजस्थान जीके की क्लासेस भी और बीएससी मैथ्स से संबंधित भी क्लासेस ला रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान बन सकता है। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो हम हर चीज़ राजस्थान जीके से संबंधित और बीएससी मैथ्स की वीडियो लगातार अपलोड करेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों आप हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति प्यार बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास के बारे में। जो क्लास है साइक्लिक ग्रुप, नया टॉपिक है, नई शुरुआत है आज की साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का अर्थ क्या हो गया? चक्रीय समूह है। ये हमारे चैनल की खास बात है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बात है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी माध्यम है, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ पाता है उन्हें, उन विद्यार्थियों के लिए हम निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों आप उन विद्यार्थियों से ज़रूर कहें कि ऑनलाइन क्लासेस मैथ की शुरू हो चुकी है, बीएससी मैथ्स की, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज टॉपिक जो मैंने लिखा है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं इन चीज़ों पर। आप समझ चुके हैं, आप ऐसा ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, बस लास्ट बार कह रहा हूँ, बस आप इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह है, क्या होता है ये सुनिए। चक्र का अर्थ क्या होता है कि एक पहिया, सुनिए इस चीज़ को, मान लीजिए ये कोई साइकिल का पहिया है, ठीक है, चक्र का अर्थ है। अब देखिए चक्र में हम कोई बिंदु सेलेक्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, चक्र में कोई बिंदु, इसी उदाहरण से मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ, चक्रीय ग्रुप क्या होता है, इस चीज़ को सुनिए कि इसमें कोई एक बिंदु है। देखिए चक्र जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, ये थोड़ी देर बाद ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये बिंदु यहाँ पर आ जाता है और थोड़ी देर बाद ये बिंदु वापस इसी स्थान पर आ जाता है। आप समझिए कि एक चक्र है, एक पहिया है, एक साइकिल का पहिया है। देखिए ये जैसे जैसे साइकिल चलेगी उस प्रकार, देखिए ये पहले बिंदु ही हम यहाँ पर लेते हैं, कोई पॉइंट ले लिया हमने, अब देखिए कुछ समय बाद ये यहाँ आ जाता है, कुछ समय बाद यहाँ, और कुछ समय बाद अपनी वापस मूल कंडीशन में आ जाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जैसे जैसे पहिया ये प्रत्येक चीज़ से गुजर कर गया है, प्रत्येक ऐसा स्थान इसमें आया है जहाँ से ये गुजर कर गया है। और मान लीजिए अब इस को हम हमारे टॉपिक से जोड़ते हैं, ये पहिया मान लीजिए हमने सेट ले लिया है, इसे सेट मान लिया है, इसे कहते हैं हिंदी में समूचे। और कैसा समुच्चय? ऐसा समुच्चय जो चार कंडीशनों को फॉलो करे। कौन सी देखिएगा, नंबर एक सबसे पहले क्लोज्ड, क्या हो? सैवृत हो। सैवृत से तात्पर्य क्या है वो चीज आप जानते हैं, मैं बार बार इस चीज को नहीं रिपीट करूंगा। नंबर दो, दूसरा एसोसिएटिविटी, ये भी जानते हैं आप, सहचर्यता क्या होती है। नंबर तीन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ये भी आप जानते हैं। नंबर फोर इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी प्रतिलोम।
देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमने एक साइकिल का पहिया लिया है। एक साइकिल का पहिया ऐसा पहिया है जो देखिए किन चीज़ों से गुजर जाता है। एक बिंदु है उस पर जो पहले शुरुआत में यहाँ है, ये वन बाय वन करके धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो ये पूरी चीज़ को कवर करता जाएगा। ये बिंदु देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पर इसमें आ जाएंगी। इससे तात्पर्य क्या हुआ कि इससे हम साइकिल के पहिए को एक सेट मानते हैं, एक समुच्चय मानते हैं, और समुच्चय कैसा जो क्या हो, क्लोज्ड हो, एसोसिएटिविटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो। इससे तात्पर्य क्या है कि ये सेट क्या हो, हमारा ग्रुप हो, और ये ग्रुप जी, ये जी सेट है, ये हमारा ग्रुप हो। और इस बिंदु से तात्पर्य क्या है कि इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान हो, कम से कम एक हो, कम से कम एक बिंदु हो, कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी बिंदु हो सकते हैं, और भी बिंदु कहीं भी लें वो भी तो गुजर कर जाएंगे। कम से कम एक बिंदु ऐसा हो, कम से कम एक बिंदु, या कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जिससे क्या हो, जो मैं कहना चाहता हूँ, जिससे क्या हो, एक इसी में से, इस सेट में से, इस ग्रुप में से एक एलिमेंट ऐसा हो जिससे इस ग्रुप के सारे अवयव हमें प्राप्त हो जाए, यानी सारे के सारे अवयव हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात क्या हो कि ए अन हमें सारे के सारे अवयव प्राप्त हो जाए। और क्या है ये जी से बिलोंग करता है, जी और अन है, अन हमारा पूर्णांक पॉजिटिव नंबर होगी, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए जिससे हमें सारे के सारे अवयव, इस ग्रुप के सभी अवयव हमें प्राप्त हो जाए। बस हम ऐसा ज्ञात करते हैं, ऐसी चीज़ हम लिखना जानते हैं, देखिए कि ए एन बिलोंग टू जी, ये पूरा अवयव है वो बिलोंग इस जी में से होगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेट जो हमने जी लिखा है, ये जी का जी हमें वापस एक अवयव की वजह से कम एक हो, अधिक से कितने भी हो सकते हैं, दो, ये साइकिल वाले ही बात, देखिए कि यहाँ से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा बिंदु हो जिससे हम जो ग्रुप है हमारा उसके सारे के सारे एलिमेंट, सभी के सभी अवयव हम प्राप्त कर सकें। दोस्तों वही होता है हमारा चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह है, एक ही बात है। आप इस उदाहरण से समझ चुके हैं कि हम एक पहिया है, हमारा एक पहिया है जिससे हम क्या इस पे एक बिंदु सेलेक्ट करते हैं, जो जैसे जैसे पहिया चलेगा वो प्रत्येक कंडीशन से गुजरता जाएगा। इससे क्या है, इस पहिए को हमने समुच्चय माना, और समुच्चय कैसा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है जो एग्जाम्पल दिया है, और उसमें से एक अवयव ऐसा, इस ग्रुप के अंदर एक अवयव ऐसा हो जिससे हमें प्रत्येक अवयव हमें प्राप्त हो जाए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से दोबारा मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सुनिएगा कैसा है, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये जी हमारा A0, A1, A2 इस प्रकार करके AN, ये मान लीजिए ये ग्रुप है, ये किसी भी संक्रिया के लिए योग मान लीजिए ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। अब गुणा संक्रिया के लिए, अब देखिए कोई अवयव हम ए सेलेक्ट करते हैं, इसमें से ए बिलोंग टू जी, क्या इससे प्रत्येक पावर हम लगाएं, क्या इससे हमें अवयव प्राप्त नहीं हो जाएगा? ए की पावर हमने जीरो ली तो इससे हमें ये अवयव प्राप्त हो गया, ए की पावर एक ली इसकी तो ये प्राप्त हो गया, इस प्रकार करके हमने ए की पावर अन ली तो हमें सारे के सारे अवयव इसके लिए प्राप्त हो रहे हैं। तो ये ए है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये जी हमारा चक्रीय ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, ये जी साइक्लिक ग्रुप हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसे ही चक्रीय समूह कहते हैं, कम से कम एक अवयव ऐसा ज़रूर हो इसको सिद्ध करने के लिए, चक्रीय ग्रुप वो बहुत बहुत है, एक ही अवयव ऐसा, अगर मैक्सिमम दो हो जाएं, तीन हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया एग्जाम्पल है जो सदाबहार एग्जाम्पल कह सकते हैं, हमेशा एग्जाम्पल चाहे कोई भी हो लगभग ग्रुप में यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको लगभग दिखाई देगा, बस इसी एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऐसा है, मान लीजिए ये कोई एच हमारा सेट है, और एच हमारा सेट है इसलिए देखिए एक माइनस एक और आइटा और माइनस आइटा, इसमें चार एलिमेंट है, और गुणा संक्रिया के लिए मल्टीपल ऑपरेशन के लिए हमें ये ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप दे रखा है, तो हमें ग्रुप दे रखा है और हमें बताना है क्या ये चक्रीय ग्रुप है, और चक्रीय ग्रुप के लिए आप जानते हैं कि कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिससे इसके सारे के सारे अवयव हमें प्राप्त हो जाए, बस हमें ये सिद्ध करना है। और देखिए मैं सबसे पहले एक लेना चाहता हूँ, एक लेके देखिए क्या एक की पावर में जीरो करूं तो हमें एक प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक की पावर में एक करूं
एक की पावर एक करूं तो भी मुझे एक प्राप्त होगा, एक की पावर दो करूं तो भी मुझे एक प्राप्त होगा। क्या इसमें कहीं भी मुझे सारे के सारे अवयव प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरा एलिमेंट लेके देखता हूं मैं, माइनस एक, माइनस एक की पावर एक करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस एक। माइनस एक की पावर मैं दो करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? एक। माइनस एक की पावर तीन करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? माइनस एक। माइनस एक की पावर चार करता हूं तो मुझे एक। क्या इसमें आपको आइटा ये चीज़ें मिली? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? ये एक और माइनस एक इसके क्या है? एक और माइनस एक से हमें ये अच के अवयव सारे अवयव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। दो तो ये हमने फिक्स कर दिया है, कम से कम एक चाहिए हमें, बस एक होता है तो हमें मिल जाएगा, बस एक को हमें ढूंढना होता है। ये चीज़ें हमें करके नहीं देखनी, बस मैं आपको समझा रहा हूँ ये एग्जांपल, इससे अवयव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आइटा लूँ, आइटा लेकर देखता हूँ तो देखिए इस एग्जाम्पल से हमें क्या सिद्ध करना है। आइटा, आइटा की पावर मैं एक लगाता हूँ तो क्या मुझे आइटा प्राप्त हो गया? आइटा की पावर एक लगाऊंगा आइटा, और आइटा की पावर दो करता हूं, आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस एक। माइनस एक प्राप्त हो गया। आइटा क्यूब करता हूं, आइटा क्यूब करूंगा तो मुझे माइनस आइटा प्राप्त होगा, आइटा की पावर चार करूंगा तो मुझे एक प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या इससे आपको सारे के सारे अवयव प्राप्त हो गए? हमें आइटा प्राप्त हो गया, हमें माइनस वन प्राप्त हो गया, हमें माइनस आइटा प्राप्त हो गया और हमें एक प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं सारे के सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो इससे क्या सिद्ध है? क्या ये चक्रीय ग्रुप है? बिल्कुल ये चक्रीय ग्रुप है, हमारा चक्रीय ग्रुप है, क्योंकि इससे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान जरूर है जो गुणात्मक संक्रिया या मल्टीपल ऑपरेशन है। इसके बाद में आपको एडिशन संक्रिया, एडिशन ऑपरेशन के लिए भी मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्या ये हमारा चक्रीय ग्रुप है। तो देखिए दोस्तों ये चक्रीय ग्रुप है, माइनस आइटा से भी कीजिए बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो हमारे इसके अंदर दो जनक हो गए, और जिससे अवयव, जिस एलिमेंट से आई बिलोंग एच, इससे क्या हमारे सारे के सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसका जनरेटर, इस जनरेटर, या इसे कहते हैं एच का जनक, जनरेटर ऑफ एच, एच का जनक, यानी जनरेटर इसे कह सकते हैं। जनरेटर, जनरेटर क्या है? आइटा हमारा इसका जनरेटर है जिससे सारे के सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं, और माइनस आइटा भी हमारा जनरेटर है इससे, क्योंकि हमें सारे के सारे अवयव प्राप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं चक्रीय ग्रुप समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चक्रीय ग्रुप का मेन परिभाषा क्या है? कि कोई ग्रुप जी के अंदर कम से कम एक अवयव ऐसा विद्यमान हो, कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर विद्यमान हो जिससे हम उस जी के सारे अवयव प्राप्त कर सकें, या उसकी संक्रिया या उसकी पावरें लगाकर ए की पावर अन करके, या जो एडिशन संक्रिया होगी उसमें भी पावर अन करेंगे, उसमें भी हम अन बार जोड़ेंगे। अगर हमें क्या ग्रुप प्राप्त, ग्रुप वही ग्रुप के सारे अवयव प्राप्त हो जाएं, तो वह ग्रुप जो ग्रुप जी है हमारा, वो क्या होगा? हमारा चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह है हमारा होगा। और जो अवयव जिससे हमें प्राप्त हो रहा है, सारा का सारा ग्रुप हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम कहते हैं जनरेटर, एच का जनक। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इस जो हमारी ये चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसकी प्रत्येक हम थ्योरमें करेंगे, क्योंकि थ्योरमें बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती हैं, चाहे कोई क्लास हो चाहे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, थ्योरमें नहीं मिलेंगी। हम प्रत्येक थ्योरम इसमें करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम तो निश्चित रूप से हमें पढ़ लेनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें करने चाहिए, और वो मैं आपको करवाऊंगा। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, हमारा सहयोग करना है। इसको इतना शेयर कर दीजिए, इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, हर बीएससी लेवल से संबंधित तैयारी कर रहा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जिसमें बीएससी मैथ्स का मटेरियल आता है, उसे तक पहुँचा दीजिए। बस आपका कार्य क्या है? वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और विद्यार्थी हमें से जुड़ सकें और उनका भी भला हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कितना का कोर्स हो पाता है, चाहे कोई चीज़ हो उनकी घर बैठे ही तैयारी हो जाएगी। जो हमारी मेहनत है उसमें हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बस ऐसी उम्मीद करता हूं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बस चलिए क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे इन चीज़ों में। साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है ये गुणात्मक संक्रिया के लिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ जो योग संक्रिया के लिए है। हर चीज़ आपके समक्ष, जो हर चीज़ आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। तो ऐसी ही एक कन्फ्यूज़न और देखिए, एक एग्जाम्पल और है हमारा। देखिए जीरो एक ऐसा हम मानते हैं, अच बराबर हमारा एक सेट है, जीरो वन
टू थ्री और मान लीजिए प्लस फोर संक्रिया, इसका अर्थ आप जानते हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट में एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीपल मॉड्यूलो के नाम से ये टॉपिक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, सबसे पहले लिंक है वो इसी चीज़ की आपको मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्लस फोर एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, इसका हम भाग देते हैं जो योग होता है, अगर रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर लिख देंगे, अगर चार है चार में चार का भाग देंगे, योग चार होता है तो चार में भाग देंगे, लेकिन कम है तीन में चार का भाग पूरा ऐसे नहीं जाता है, इसमें पूर्ण पूर्ण भाग देना होता है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, तीन ही बच जाएगा, जीरो बार जाएगा तीन बच जाएगा। अगर चार होता है तो जीरो रिमाइंडर आएगा हमारा, और चार से ऊपर है जैसे पाँच है तो पाँच में चार का भाग देंगे तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा। इस हिसाब से हमें ये मान निकालना है। और प्लस फोर संक्रिया के लिए हमें सिद्ध करना है क्या ये चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। बस हम सिद्ध करते हैं क्या चक्रीय ग्रुप है, ये देखिए 0 1 2 3 प्लस फोर संक्रिया के लिए हमें यह सिद्ध करना है। प्लस फोर संक्रिया है, सबसे पहले मैं जीरो को लेकर देखता हूं क्या इससे हमें सारा का सारा सेट प्राप्त हो रहा है। देखिए जीरो को मैं कितनी बार जोड़ूं, देखिए जीरो को जीरो जोड़ा, पहली बार जोड़ा जीरो, लेकिन जीरो में और जोड़ते जाइए जीरो ही होगा, क्या हमें एक दो तीन प्राप्त होंगे, तो नहीं, तो इससे क्या प्राप्त है, तो जीरो तो हमारा चक्रीय ग्रुप है बिल्कुल भी नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब मैं देखती एक लेता हूँ, एक नंबर पर एक अवयव लेता हूँ, अब एक को देखिए एक बार जोड़ूंगा और चार का भाग दूंगा, कोई जरूरत नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा एक ही आएगा, तो एक से तो एक तो हमारा क्या आ गया, एक प्राप्त हो गया। अब देखिए एक को दो बार जोड़ूंगा प्लस फोर का, यानी दो और चार का भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो बार जाएगा, तो दो रिमाइंडर आ गया, दो भी आ गया, वन प्लस फोर वन। तीन बार जोड़ूंगा तो भी हमारा क्या आएगा, तीन ही रिमाइंडर आएगा क्योंकि चार से कम है, और वन प्लस वन चार से भाग दूंगा। इस बार देखिए चार से भाग दूंगा, चार का चार में भाग दूंगा, पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। एडिशन मॉड्यूलो के तहत हमें क्या सारे के सारे अवयव प्राप्त हो गए, जीरो एक दो तीन, तो हमारा ए क्या हो गया, ए हमारा जनरेटर हो गया, जनक हो गया, जनरेटर या जनक कहते हैं हम। अब देखिए दो से भी ये हमारा नहीं होगा, अब मैं तीसरे से आपको दिखाता हूँ क्या ये तीसरे से होता है या नहीं, दो से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो से क्या तीन हमें प्राप्त हो सकता है, कभी भी नहीं, जोड़ते जाइए आप, बस तीन हमें प्राप्त नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया है, तीन कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए जो तीसरा है वो देखिए इससे क्या तात्पर्य है, एक तो जनक हमारा डेफिनेटली हो गया, एक तो हमारा क्या है जनरेटर है, अब मैं तीन को और देख लेता हूँ क्या है, बिल्कुल तीन हमें मिलेगा जनरेटर, बस आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कैसे ये जनरेटर है। तीन को देखिए, दूसरा है हमारा तीन, तीन को मैं एक बार जोड़ूं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तीन प्राप्त हो गया, दोबारा देखिए तीन प्लस तीन, अब देखिए छः है, चार से बड़ा है तो मैं भाग दूंगा, छः का चार में भाग दूंगा, देखिए छः अपॉन फोर, इसका तात्पर्य यही होता है कि चार से भाग देंगे और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, दो। ठीक है, तीन प्लस फोर प्लस तीन प्लस फोर तीन, तीन बार जोड़ा, नौ, नौ अपॉन कितना करना है, चार, चार का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा, चार दुए दो बार चला जाएगा, चार दुए आठ और रिमाइंडर हमारा बच गया एक, सॉरी दोस्तों। अब देखिए जो तीसरी लास्ट है, तीन प्लस फोर प्लस तीन प्लस फोर, तीन प्लस फोर तीन प्लस फोर तीन प्लस फोर तीन, अब देखिए मैं चार बार जोड़ रहा हूँ तो चार को चार बार जोड़ूंगा और भाग दूंगा तो पूरा का पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर बचा जीरो, जीरो भी आ गया, एक भी आ गया, दो भी आ गया और तीन भी आ गया। इससे क्या समझते हैं आप, क्या तीन भी हमारा जनरेटर है, क्या तीन भी हमारा जनक है, किसका, एच का, जो जीरो एक दो तीन, प्लस फोर संक्रिया के लिए हमें ग्रुप दिया गया है, एडिशन संक्रिया के लिए हमें ग्रुप दिया गया है, इससे क्या समझते हैं आप, जनक शायद समझ चुके हैं, इसमें एक और तीन क्या है, जनक है, या इसे कहते हैं जनरेटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, बस एक छोटी सी थ्योरम और कर लेते हैं इस क्लास में, ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, बस छोटा सा वीडियो बनाते हैं, एक छोटी सी थ्योरम देख लीजिए, एक क्या दे रखी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, महत्वपूर्ण है जो इस कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या है, अबेली है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली होता है। अब देखिए प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली है, समझिएगा, अबेली से और ग्रुप में क्या फर्क होता है, केवल मात्र कम्युनिटिविटी यानी कर्म विनियमिता का फर्क होता है, केवल मात्र इतना। अगर हम इस चक्रीय ग्रुप को कर्म विनियमिता वाला सिद्ध कर दें तो क्या आप समझ चुके हैं अबेली ग्रुप होगा, बिल्कुल। देखिए ये मान लीजिए हमने Z बराबर A,
ये हमने मान लिया कोई हमारा चक्रीय ग्रुप है, इसमें दो एलिमेंट हमने माने हैं, यानी एक एक क्या इसका जनक है, ए इसका चक्रीय ग्रुप का जनक है, तो क्या इससे पावरों के रूप में सारे अवयव प्राप्त होंगे। मान लीजिए इसमें एक्स अवयव है और वो मान लीजिए हमें ए की पावर एम के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, और वाई अवयव है वो मान लीजिए हमें ए की पावर एन के रूप में जनक है, तो ए की पावर के रूप में मिलेंगे और इससे हमें अवयव प्राप्त हो रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, एक ही बात है, एक्स वाई करेंगे ए की पावर एम ए की पावर एन, और इसे करेंगे हम ए की पावर एन और ए की पावर एम। अब देखिए ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एन प्लस एम, किसी प्रकार लिख दीजिए, ए की पावर एम प्लस एन के रूप में लिखिए या ए की पावर एम प्लस एन के रूप में लिखिए, दोनों बराबर हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। जो मैंने चक्रीय ग्रुप जो टॉपिक लेकर चला हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। हमारे पढ़ाने का तरीका भी शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कीजिए, हमारी मेहनत का भी हमें कुछ मिलना चाहिए, तो आप हमारी मेहनत का थोड़ा सा हमें आपका प्यार की ज़रूरत है। आप अपने द्वारा, अपने दोस्तों द्वारा या खुद सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।